वेलकम टू साइंटिफिक फिटनेस। यहाँ बात होगी फिटनेस की साइंटिफिक तरीके से। आज का मेरा टॉपिक है एग्स के अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो अब देखो, ये सामने जो एग है इसके अंदर क्या कि हर एक चीज़ के पार्ट्स नाम ये देखो, शोरियन, एल्बुमेन, शेल, एलेंटॉइस, एमनियन, एम्ब्रियो, एयर पॉकेट और विटेलस। तो अब ये एरो जिधर पॉइंटेड किया है उसको वो चीज़ बोलते हैं। तो ये सिंपल है, आप जो है एरो देख के समझ सकते हैं कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो इमेज ना आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है ये इनसाइड एंड आउटसाइड द एग। तो सारे पार्ट्स हैं एग्स के नाम देखो। सबसे पहले एग शेल है, बाहर की कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है शलाजा। तो शलाजा क्या होता है, ये वाइट कलर का रहता है योक के ऊपर, जो एक एग के शेल को और जो एग के न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है। इसके बाद एक्सटीरियर एल्बुमेन, फिर मिडल एल्बुमेन, फिर विटिलिन मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। न्यूक्लियस ऑफ पेंडर इसका मेन है, जिधर से ओवरऑल फंक्शन करता है। फिर आती है जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क क्या है कि जर्मिनल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एग का, जहाँ से एग जर्मिनेट होता है, स्टार्ट होता है बनना। फिर आता है योक। योक में दो है, वाइट एंड येल्लो। यूजुअली हम वो येल्लो योक पता लेते हैं, येल्लो के साथ जो है थोड़ा वाइट भी रहता है। उसके बाद इंटरनल एल्बुमेन, फिर शलाजा। तो शलाजा जो ऊपर गया है ना वही नीचे कंटिन्यू हुआ है, जो न्यूक्लियस को ओवरऑल कवर किया है। फिर आता है एयर सेल और फिर आता है क्यूटिकुला। तो क्यूटिकुला एग शेल के बाहर होता है, आप देख सकते हैं जिधर एरो मार्क किया है। इसके बाद देखो आप शलाजा वाइट कलर ऑन योक। तो योक के ऊपर जो थोड़ा सा वाइट कलर है ना उसको शलाजा बोलते हैं, जो आपने पिछले इमेज में देखा था। इसके बाद बात कर लेते कि चिकन अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आप देख सकते हैं एनर्जी कितना है, 155 कैलोरीज, कार्ब्स 1 ग्राम, फैट जो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 10 ग्राम के आसपास, और प्रोटीन जो मिल जाएगा आपको वो 12 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। तो ये 100 ग्राम एग की बात होगी। अब आते हैं अमीनो एसिड प्रेजेंट इन वन एग। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितने सारे अमीनो एसिड्स है। तो ये सारे के सारे आपको एक सिंगल एग में मिल जाएगी। इसे ट्राइप्टोफैन, थ्रिनोनाइन, आइसोलूसिन, लूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन और सिस्टाइन, फेनाइललाइन, टाइनोसाइन, वेलिन, आर्जिमिन, हिस्टाडाइन, एलेंकेनाइन, एस्पार्टिक एसिड। तो ये सारे के सारे आप लिस्ट देखें ना कि इसमें प्रेजेंट है। अब वो 21 अमीनो एसिड्स की बात करेंगे जो एसेंशियल है। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, हिस्टाडाइन, आइसोलूसिन, लूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनाइललाइन, थ्रिनोनाइन, ट्राइप्टोफैन, वेलिन। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो कि ये पहले 9 है 21 में से, ये पहले 9 है जो आपको ज़रूरी और वो फूड सोर्स से लेना पड़ेगा कि बॉडी जो है खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी, फूड सोर्स के थ्रू आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद बात करेगी कि ये जो 21 अमीनो एसिड्स है तो इसके अंदर से 9 तो कंप्लीट हो गए, अब रिमेनिंग जो है 12 अमीनो एसिड्स वो कौन से होते हैं। तो ये 12 अमीनो एसिड आप देख सकते हैं बचे हुए, आर्जिनाइन, सिस्टाइन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रेलिन, सेरिन, टायरोसिन। तो ये जो अमीनो एसिड्स है ये एक सिंथेसाइज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, आप अंडरस्टैंड कर। इसके बाद देखो क्या है इन योर बॉडी, बट इन सर्टन सर्कम लाइक योर यंग एज, इलनेस और हार्ड एक्सरसाइज, यू नीड टू गेट देम इन एडिशनल अमाउंट ऑफ फूड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा और ये रिमेनिंग अमीनो एसिड्स भी उधर से आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्स का कैसा है ओवरऑल। तो बस आज का लिए इतना ही, सिर्फ ये बताना था आपको मेरी वीडियो में कि एग्स के अमीनो एसिड्स क्या रहते हैं, क्या क्या रहते और उनके नाम। तो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल साइंटिफिक फिटनेस। ओके, थैंक यू।